नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और डिस्कस करेंगे पेटीएम स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक के न्यूज तो सबको पता है कि इसके जो बिजनेस है उसपे लग चुका है ठप्पा। पेटीएम बंद नहीं होगा, पेटीएम के पेमेंट बैंक वॉलेट और जो फास्टैग है वो बंद होगा। तो थोड़ा इसको जो है मिस कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हम बात करने वाले हैं टेक्निकली, तो इग्नोर करो भाई। जब न्यूज ट्रेंडिंग स्टॉक कोई भी ऐसा दिखे ना तो उसको इग्नोर करो। इसके बदले अगर जियो फाइनेंशियल ले लिए होते तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया होता। पेटीएम स्टॉक जो है इस समय काफी क्राइसिस में दिख रहा है। एक बड़ा न्यूज ये दिख रहा था कि भैया मॉर्गन स्टेनली के द्वारा जो है 50 लाख शेयर खरीदा गया। तो क्या मॉर्गन स्टेनली भगवान है कि उसने खरीद लिया और स्टॉक रॉकेट? भाई वो फंस चुका है और अपने फंसे हुए लॉस को एवरेज आउट कर रहा है। यहाँ देखोगे तो मॉर्गन स्टेनली ने खरीदा 50 लाख शेयर, यहाँ दिख रहा है। ये आज ही नहीं खरीदा है, यहाँ देखो मॉर्गन स्टेनली जो है 50 लाख खरीदा, इससे पहले 55 लाख। यहाँ देखो 12 जनवरी टू फरवरी 21 नवंबर, सॉरी ये तो डिलीवरी का है, यानी ये दो रिसेंट में यहाँ देखोगे तो ये दो बाइंग इसने पेटीएम के अंदर करा है। पहला 534 और इसके पहले 487, और इसके पहले भी मुझे लगता है कि मॉर्गन स्टेनली के द्वारा इस स्टॉक में बाइंग करा गया था। यहाँ मैं थोड़ा पीछे आएंगे तो एक बाइंग यहाँ देखेंगे, और इससे पहले भी मॉर्गन स्टेनली ने, यहाँ देखोगे तो यहाँ भी खरीदारी हुई थी, और उसके पहले भी हमने थोड़ा बहुत मॉर्गन स्टेनली के द्वारा यहाँ देखोगे तो खरीदारी दिखी थी। तो ठीक है भाई, अगर कोई विदेशी कंपनी खरीद लिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेल ट्रेंडिंग हो जाएगा, इसका लोअर सर्किट खत्म हो जाएगा। पेटीएम स्टॉक क्रैश 10% हिट्स लोअर सर्किट और 42% इन 3 डेज, समझ रहे हो? इसीलिए मैं कहता हूं कि बिना अर्निंग वाले शेयर में जाओगे ऐसे ही फंसोगे, ऐसे ही मरोगे। ऐसे स्टॉक्स को इग्नोर करना चाहिए। आज देखेंगे तो अगेन लोअर सर्किट में दिखा है और बिल्कुल यहाँ तो होपलेस होना पड़ रहा है भाई। ये स्टॉक हो सकता है कि 200 के लेवल्स भी दिखे, हो सकता है कल लोअर सर्किट खुल के थोड़ा यहाँ ट्रेड हो जाए फिर ट्रेड गिरे, बिल्कुल इग्नोर। अगर लंबे समय से फंसे हुए भी हो तो एवरेज आउट नहीं करो, जितना फंसा है उसको छोड़ दो, फ्रेश बाइंग करके फंसने की गलती नहीं करो।